हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्काम, और मेरे मेवाड़ी चीतों को खम्मा गणी। कैसे हो भाई लोगों? क्या यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? अब डेली ब्लॉग के डेली वीडियो आ रहे हैं तो भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई लोगों, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। आज का थोड़ा ऑफिशियल काम है, ऑफिशियल काम भी है और थोड़ा क्या, एक हॉस्पिटल जाना है अपने घर पे, कुछ रिलेटिव आए हुए हैं मेरे मासी जी, तो उनको अस्पताल लेकर जाना है, तो इसीलिए आज गाड़ी लेके निकले हैं। देखो, उनको अस्पताल दिखा देते हैं, फिर वापस ऑफिस आएंगे, ऑफिस के कुछ काम निपटाएंगे और आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर आपसे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सुबह से आज मिलना हुआ नहीं आपसे, सुबह अस्पताल का कुछ काम था, हॉस्पिटल का कुछ काम था, वो निपटाया और ऑफिस आ गए थे अपन। ऑफिस आने के बाद फिर अपन अब निकल रहे हैं, कुछ छोटा मोटा शहर में अपना काम है तो वो निपटा के आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। आज अपने क्या, एक ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया था अपन ने, उलान जी का एक मोबाइल होल्डर। एक्चुअली में क्या है कि DSLR कैमरा क्या मार्केट में हर जगह लेकर घूमना अच्छा भी नहीं रहता व्लॉगिंग के लिए, तो अपन ने सस्ते जुगाड़ के लिए अपन ने क्या, एक मोबाइल होल्डर मंगाया था जिसके ऊपर माइक सेटअप भी हो जाए। तो अब अपन जा रहे हैं, माइक अपने पास में है बोया का M1, पर उसका क्या, एक टाइप सी जो है कनेक्टर अपने मोबाइल में, वो कनेक्ट करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो अपन जा रहे सिटी में, वो लेकर आते हैं, और कुछ छोटा मोटा और ज़रूरत है तो वो भी लेकर आते हैं। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बताइएगा कि अपन जो मोबाइल से जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, क्योंकि DSLR से क्वालिटी वैसे काफ़ी अच्छी रहती है, पर मोबाइल से भी कैसी आ रही है आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं हो रहे भाई लोगों, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मैं उतने से अच्छे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपन ऐसे जो कैमरा लाए हैं वो बहुत अच्छा है, माना कि बहुत ही अच्छा है, पर उसका एक तो राइडिंग के दौरान वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा कुछ है डिफरेंस, उतनी अच्छी नहीं है जितनी GoPro में आती है। तो प्लान कर रहा हूँ 2-3 दिन में GoPro Hero 9 लाने का, ठीक है, अपने उदयपुर में ही मिल जाएगा, अपने को बात कर ली है अपन ने, तो प्लान चल रहा है। तो सर वो 43,000 का कैमरा है। अब देख लीजिए, मैं आप लोगों को खुश करने के लिए, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ से एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नीचे आया लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का टैग आ रहा है, कुछ नहीं करना। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब करने का बटन आ रहा है लाल कलर का, उसको दबा देना, उसके पास में घंटा आ रहा है, उस घंटे को दबा देना, और कुछ भी नहीं करना है। उससे ना तो आपके मोबाइल में कोई वायरस आएगा और ना ही आपके मोबाइल में किसी तरह की कोई गलती होगी, ना ही आपके मोबाइल से कोई पैसा कटेगा, ना आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। आप लोगों में अगर ये गलत फहमी हो, हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा मोबाइल से, कुछ भी नहीं होता है, सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता है। यूँ समझ सकते हैं आप कि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो जैसे देशी भाषा हम कहें कि अगले को अपन के तरह शाबाशी देना, तो बस वही है कि आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे मेरे को एक शाबाशी मिलेगी, तो अगर शाबाशी मिलेगी तो मैं और अच्छा काम करूंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो बस यही चीज़ है मेरी दोस्तों, आप सबसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, कैसे हो भाई लोगों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आए हैं हमारे संजय भैया की शॉप है यहाँ पे उदयपुर का, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया आपको मोबाइल से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, चार्जिंग से लगाकर, चार्जिंग केबल से लगाकर, कवर से लगाकर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बहुत ही शानदार शॉप है और रिजनेबल प्राइस है। सभी आओ अगर उदयपुर में तो आप इनकी शॉप को ज़रूर विजिट कीजिए, देख सकते हैं आप इनके पास कितना सारा स्टॉक है और आपको सबसे ब्रांडेड चीज़ें मिलेगी। मैक्सिमम क्या होता है मोबाइल की शॉप पर कॉपीज वगैरह रखते हैं, पर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ओरिजिनल और ब्रांडेड प्रोडक्ट ही मिलेंगे आपको। तो आइए कभी आप संजय भैया की शॉप पर, इनकी शॉप है
उदयपुर जो पुलिस चौकी कहलाती है, इसके पीछे की तरफ जो पैरागोन जो शॉप है, उदयपुर की सबसे फेमस, उदयपुर की क्या राजस्थान की सबसे ज्यादा और सेलिंग करने वाली शॉप है ऐसा मैंने सुना है। तो उस शॉप की लाइन में ही बड़े भैया की शॉप है, नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और इनकी शॉप का नंबर, मोबाइल नंबर या संजय भैया जो है इनका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कभी भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। अभी एक बड़े भैया से मिला, हमारे जिस शॉप के बारे में मैंने भी आपको बताया था अंदर, वास्तव में उन भैया ने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई। ऐसे ही कोई सजेस्ट करे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई अपने को राय दे अपने वीडियो के बारे में। उन्होंने बहुत अच्छी बातें मुझे बताई कि वीडियो बहुत अच्छे बन रहे, कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ है, पर एडिटिंग में अपन मात खा रहे हैं। एडिटिंग में अपन तो एक्चुअली फर्स्ट पहले मोबाइल से कर रहे हैं, फिर अपन ने टेप लिया, टेप से अपन एडिटिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें इतनी सक्सेस है नहीं, अपने को प्रॉपरली पीसी पर ही बैठ कर काम करना होगा, लैपटॉप पर ही बैठ कर काम करना होगा, तभी अपन कुछ कर पाएंगे, तभी अपना कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये चीज़ मैं मानता हूँ कि अपन ने इतनी लंबी राइड करके आगे दिल्ली जाकर आ गए, इतनी सारी चीज़ें लोगों से दिखा दी और कभी सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कारण यही है कि कुछ न कुछ अपने में गलती है। तो बहुत अच्छी चीज़ आज संजय भैया के द्वारा पता चली अपने को, तो अब अपन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे अपन अपना एडिटिंग सुधार लाएँ, अपने वीडियो की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करें। सबसे पहले तो वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करेंगे तभी काम बन पाएगा, क्योंकि अपने पास सारे इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास DSLR है, एक्शन कैमरा भी अच्छा है, ये भी नहीं एक्शन कैमरा खराब है, एक्शन कैमरा भी बहुत अच्छा है। SD गेम बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो यूज़ करते हैं, परंतु उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें हैं, बाइक भी है, सब कुछ है, पर तो भी अपने पास में व्यू नहीं आ रहे हैं और अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, उसका कुछ ना कुछ कारण है। तो उस कारण के बहुत नज़दीक आज मुझे संजय भैया ने पहुंचाया है, तो दिल से संजय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर। तो अगर आप मुझे मेरे वीडियो की सच्चाई नहीं बताते तो वास्तव में मैं तो कहते हैं अपने आप में होशियार समझ रहा था, तो मुझे एहसास कराया कि भैया आप गलत रास्ते जा रहे हो, उसको थोड़ा सही कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया आपका, चलिए मिलते हैं आगे। जिन चीज़ों पे अपन ने बात की वो चीज़ें वास्तव में गौर करने लायक हैं, वास्तव में और एडिटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी लोग वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब कोशिश करते हैं कि अपन PC में ट्राई करते हैं, पहले मोबाइल में ट्राई किया, फिर टैब में ट्राई किया, अब सीधा PC पे ट्राई करते हैं। तो अब देखते हैं आने वाले 2-4 वीडियो के बाद में, अभी तो सीखना पड़ेगा कैसे करना है, और उनके बाद में अपन कोशिश करेंगे कि मोबाइल से अब सीधा टैब पे और टैब से सीधा अपन PC पे जा रहे हैं, और PC से वीडियो अपडेट करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। पर तो भी आप सब्सक्राइब करना मत छोड़िएगा, सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को और लाइक करते रहिए। अब आज का कुछ खास ऐसा है नहीं जो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि एकदम से वो कहते हैं ना मन उदास सा हो गया कि और कुछ ना कुछ मेरे से गलती हुई है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बस आप सबसे मेरे यही गुजारिश है कि आपके घर का बच्चा हूँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और प्रॉमिस है आपसे कि बहुत जल्द आपको मैं वीडियो की क्वालिटी एक्सीलेंट तरीके की करके दिखाऊंगा, जैसे आप दूसरे वीडियो देखते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हो, उस तरह की क्वालिटी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे, कमा गणी।